Hello students, welcome to history class 12th. Students, in a recent video we have discussed about a Shaivism and Vaishnavism which was developed in a subcontinent. These pictures we have discussed. Now we will discuss about poem of prayer, early tradition of bhakti. मतलब भक्ति tradition कैसे start हुए. तो सबसे पहले देखिए, एक ऐसी community develop हुई जो मतलब नए तरीके की worship उन्होंने सिखाई लोगों को. पोएट सेंट्स कह देते हैं उनको. वो एक लीडर की तरह डेवलप हुए और उनके दोनों उनके चारों तरफ डेवलप हुई उनके जैसी कम्युनिटी, उनको फॉलो करने वाली कम्युनिटी. जबकि ब्राह्मणास जो थे वो एक इम्पोर्टेंट फिगर थे सोसाइटी में, लेकिन ब्राह्मणास वुमेन और लोअर कास्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते थे. वाइल ब्राह्मण रिमेन द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट बिटवीन गॉड एंड डिवोटीज इन सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति, दीज ट्रेडिशन ऑल्सो अकोमोडेटेड and acknowledge women and lower caste categories considered ineligible for liberation within the orthodox brahminical framework. तो जो ब्राह्मण थे ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क में लोअर कास्ट के लिए कोई जगह ही नहीं थी. वो समझते थे कि इनकी लिबरेशन तो हो ही नहीं सकती उन लोअर कास्ट और वुमेन को. इन भक्ति संतों ने अपने डिवोटीज में इंक्लूड किया और इन लोगों को अपने टीचिंग्स देने लगे, जो मतलब गॉड के बारे में, जो भगवान के बारे में टीचिंग्स थी वो देने लगे. व्हाट आल्सो करेक्टराइज ट्रेडिशन ऑफ भक्ति वास रिमार्केबल डाइवर्सिटी. मतलब इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसमें सभी तरह के लोग थे. इसमें ब्राह्मण भी थे, इसमें क्षत्रिय भी थे, इसमें वैश्य भी थे, इसमें शूद्र भी थे और इसमें वुमेन भी थी. मेल फीमेल दोनों अलाउड थे. At a different level, historians of religion often classify bhakti tradition into two broad categories, sagunas and nirgunas. तो देखिए, sagunas होते हैं with attributes और nirgunas होते हैं without attributes. मतलब sagunas का मतलब जो मूर्ति वगैरह की पूजा, मूर्ति वगैरह बनाकर पूजा करते हैं. nirgunas वो होते हैं जो मूर्ति बिना पूजा कर लेते हैं. The former include tradition that focus on worship of specific deities such as Shiva and Vishnu and his avatars and forms of goddess or devi, all often conceptualized in anthropomorphic form. तो anthropomorphic form क्या होती है? So anthropomorphic होता है ऐसे एक human form की तरह. मतलब जो शिवा थे, विष्णु थे और देवियां थी और उनके अवतारास थे, उन सभी को ह्यूमन फॉर्म में कंसेप्चुलाइज कर दिया गया. उनको उनकी पिक्चर्स बना दी गई, उनकी मूर्तियां बना दी गई, उनकी वर्शिप होने लगी. निर्गुणा भक्ति में क्या होता है? निर्गुणा भक्ति ऑन द अदर हैंड वाज वर्शिप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. ये सिर्फ गॉड की पूजा करते थे. एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, इस तरह से उनकी पूजा करते थे. अब आ गए जी अलवार्स एंड नाइनर्स. अलवार्स होते हैं जो विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं और नायनर्स होते हैं जो शिवा के फॉलोअर होते हैं. ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ तमिलनाडु में. सम ऑफ द अर्लिएस्ट भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय अलवार्स, दोज हु इमर्स्ड इन द डिवोशन ऑफ विष्णु एंड नायनर्स हु वर द फॉलोअर्स ऑफ शिवा. दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड प्रेज देयर गॉड. अपने गॉड की प्रशंसा की, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट किया इन्होंने. तो ये अलवार्स और नायनर्स थे, इन्होंने अपने चूजन डाइटी का कोई मतलब कोई भी डाइटी जो मतलब ये फॉलो करते थे, चाहे वो विष्णु थे चाहे वो शिवा थे, उनकी उनके बारे में लोगों को बताया. इनके मंदिर भी बनवाए गए और बाद में ये मंदिर जो थे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बने. वेरी ऑफन लार्ज टेम्पल वर लेटर बिल्ट एट दीज सेक्रेड प्लेसेस, दीज डेवलप एज द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज. अब ये तीर्थयात्रा के स्थान भी हैं. सिंगिंग कंपोजिशन ऑफ दीज सेंट्स बिकेम पार्ट ऑफ द टेम्पल रिचुअल्स श्राइन एज डिड वर्शिप द सेंट्स इमेज. तो ये संतों की इमेज जो थी उसकी भी वर्शिप करते थे, मतलब पूजा वगैरह करते थे, स्कल्पचर्स की, मूर्तियों की पूजा भी करते थे. तो इस तरह से ये थे अलवार्स और नाइनर्स. और लोअर कास्ट की तरफ यानी कि जो कास्ट सिस्टम था उसके लिए अलवार्स और नाइनर्स का क्या मतलब किस तरह से एटीट्यूड था उनका. तो उन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट जो था काम शुरू किया था. टू सम एक्सटेंट दिस इज कोरोबोरेटेड बाय द फैक्ट दैट भक्तास हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मणास टू
आर्टिशन कल्टीवेटर्स एंड इवन फ्रॉम द अनटचेबल्स। तो ये लोग थे जो अलवार्स और नाइनर्स थे, उनमें बहुत सारी डाइवर्स कम्युनिटीज थी, जैसे लोअर कास्ट के लोग अनटचेबल्स जिनको कहा जाता था उस टाइम, उनको, कल्टीवेटर्स को, आर्टिशंस को, ब्राह्मणास को, सभी जगह, मतलब एक जगह, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे जो इनके फॉलोअर्स थे। इसलिए कास्ट सिस्टम को, जो इनके जो ब्राह्मणों द्वारा कास्ट सिस्टम बनाया गया था, उसको उन्होंने बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया, माना ही नहीं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन ऑफ अलवार्स एंड नाइनर्स वाज समटाइम इंडिकेटेड बाय द क्लेम दैट कंपोजिशन वर्क इम्पोर्टेंट एज वेदास। उनकी इम्पोर्टेंस इतनी थी कि वो समझते थे कि हम इतने इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हम इतनी टीचिंग हमारी इतनी अच्छी है कि हमें वेदा से कंपेयर करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जो तमिल अलवार्स की बुक है, वो है नलेरा दिव्य प्रबंधम, जिसको तमिल वेदा के नाम से भी जाना जाता है। वो कहते हैं कि जैसे चार वेद इंपॉर्टेंट है संस्कृत में ब्राह्मणों के लिए, वैसे ही नलेरा दिव्य प्रबंधम आम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। वुमेन डिवोटीज में कौन आते हैं? देखिए, एक अलवार वुमेन थी अंडाल, वर वाइडली संग, देखिए उन्होंने मतलब भक्ति की। अंडाल ने अपने आप को विष्णु की मतलब जो वाइफ है या बिलव्ड है वो बताया। अनदर वुमन कराइकल अमेर, ये शिवा की भक्त थी और इसने एस्टेसिज्म किया, मतलब के जो पिनेंस वगैरह किया, ये फॉर्म दिखाई गई उनकी, ये दिखा रखी है अमेयर, करेकल अमेयर का ये पिक्चर दिखाई गई है। हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व्ड विद इन द नैनर ट्रेडिशन। दीज वुमेन रिनाउंस देयर सोशल ऑब्लिगेशन बट डिड नॉट ज्वाइन एन अल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम नन। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड देयर कंपोजिशन पोज द चैलेंज टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ना तो उन्होंने कोई मतलब इस तरह से कोई ज्वाइन किया, कोई सिस्टम ज्वाइन किया जैसे नन बन गई या कुछ और, ये हिंदू धर्म में ही थी और इन्होंने शिवा की पूजा की और किसी ने विष्णु की पूजा की। तो इस तरह से शिवा और विष्णु की पूजा करके उन्होंने एस्टीज़ मतलब के एक इम्पोर्टेंट प्लेस प्राप्त किया सोसाइटी में। और ये जो थी, ये औरतें जो थी, इनको इम्पोर्टेंट नाम से जाना जाने लगा। मतलब जहां जहां ये नाइनर और अलवार्स की बात होती थी तो इन औरतों के नाम लिए जाने लगे। मतलब ये चैलेंज था उस टाइम के पैट्रियार्कल नॉर्म्स को, इन्होंने चैलेंज किया उस टाइम के जो पैतृक तौर पर पिता, मतलब जो मेल डोमिनेट सोसाइटी थी उसको चैलेंज किया था। तो स्टूडेंट यहां तक करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन विद स्टेट, वो हम कल करेंगे। थैंक यू।